आज मैं आपको मधु कांकरिया जी का जो पाठ है साना साना हाथ जोड़ी, इस पाठ के आज मैं आपको वन लाइनर्स क्वेश्चंस बता रही हूँ। इसमें आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना, और मैं यहाँ पर केवल आपको आंसर बता रही हूँ, साथ में क्वेश्चन भी बता रही हूँ, मैं नोट डाउन नहीं कर रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, मधु कांकरिया का जन्म कौन से सन में हुआ था? इसका सही उत्तर है सन 1957, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मधु कांकरिया ने कौन से सब्जेक्ट में एमए किया था? तो यहाँ सही उत्तर है अर्थशास्त्र। आप हिंदी मत कर देना, क्योंकि आप सोचते हो कि हिंदी का पाठ लिखा है, तो यहाँ पर उन्होंने एमए जो किया था अर्थशास्त्र में किया था, जैसे मैंने अर्थशास्त्र में एमए किया है वैसे ही। उसके बाद देखो, साना साना हाथ जोड़ी पाठ कौन सी समस्या पर आधारित है? यहाँ पर लेखिका किससे परेशान हो गई थी? वो महानगर की घुटन से परेशान हो गई थी, इसीलिए हिमालय की वादियों में घूमने चली गई थी। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। उसके बाद क्वेश्चन है, ढलान लेती तराई पर किसके गुच्छे रोशनी की एक झालर सी बना रहे थे? तो यहाँ पर जब आप पाठ पढ़ोगे तो आप देख लोगे, सितारों के गुच्छे जो थे उसकी एक झालर सी बनी हुई थी, जिसे देख करके लेखिका सम्मोहित भी हो गई थी। तो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखो, क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, मैं दूसरा क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ। अतींद्रियता का क्या तात्पर्य है? यानी यहाँ पर देखो, अतींद्रियता होता है इंद्रियता से परे, अति यानी अधिक, इंद्रियता यानी इंद्रियां, तो उनसे आगे जब कोई घटना घटित होती है उसे अतींद्रियता कहते हैं। साना साना हाथ जोड़ी एक है, अब क्या है? ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मैं आपको केवल दो ही ऑप्शन दे रही हूँ। तो यहाँ पर ना तो उपन्यास है, तो ये क्या है? यात्रा वृतांत है। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है यात्रा वृतांत। उसके बाद प्रश्न आता है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ ने लेखिका की कहाँ की यात्रा जो है वो बताती है, किसका वर्णन करती है? तो कहाँ यात्रा की थी उन्होंने? हिमालय की। यहाँ पर अजंता एलोरा गलत है, सही उत्तर है हिमालय की यात्रा की थी। प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? तो सही उत्तर है हिमालय के सौंदर्य का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पाठ में लेखिका हिमालय के सौंदर्य के साथ साथ वहाँ की दूसरी कौन सी चीज़ को रेखांकित करती है? तो आपने देखा होगा, जब उन्होंने महिलाओं को बोकू पहने हुए देखा, यानी कि वहाँ पर बहुत गरीब महिलाएं काम कर रही थी, यानी गरीबी का भी इन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यात्राओं से मनोरंजन के साथ साथ किसका आदान प्रदान होता है? तो यात्राओं से मनोरंजन के साथ साथ संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि संस्कृति किसे कहते हैं। लोगों का रहन सहन है, खान पान है, या किस तरह से लोग रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, ये सब मिलकर के एक संस्कृति को बनाते हैं। तो एक दूसरे से हम संस्कृति सीख सकते हैं कि लोग किस प्रकार से रहते हैं। तो यात्रा जब हम करते हैं तो संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। पाठ में लेखिका क्या प्रार्थना करती है? क्या प्रार्थना करती है? कि उसका सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने प्रार्थना के बोल किससे सीखे थे? तो उन्होंने लेखिका ने प्रार्थना के बोल एक नेपाली युवती से सीखे थे। यहाँ पर किससे आएगा, ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर आप सही कर लेना। किससे सीखे थे उन्होंने? सीखे थे एक नेपाली युवती से। उसके बाद जो है क्वेश्चन आता है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है? अभी यहाँ पर मैं केवल आपको आंसर दिखा रही हूँ, कंचनजंगा इसका नाम है, वैसे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। उसके बाद है, गंगटोक से युमतांग कितनी दूरी पर था? तो 149 किलोमीटर। प्रश्न आता है कि रास्ते में जो सफ़ेद बौद्ध पताका लगी हुई थी वो किसकी प्रतीक थी? वो थी शांति और अहिंसा की। इन पताकाओं को कब लगा दिया जाता था? जब कोई बौद्ध बुद्धिस्ट गुजर जाता था, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, तो
उसकी आत्मा की शांति के लिए सफ़ेद झंडे, पताकाएं, फ्लैग्स लगाए जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को क्या कर रहा था? तो उसे सम्मोहित कर रहा था, यानी कि वह बिल्कुल सम्मोहित सी हो गई थी, तंद्रा में आ गई थी, अतिंद्रियता से परे चली गई थी। प्रश्न आता है, पवित्र स्थान पर सफ़ेद बौद्ध पताका क्यों लगाई जाती है? तो कोई बुद्धिस्ट की मृत्यु पर लगाई जाती है। नए कार्य की शुरुआत पर पताका का रंग कैसा होता है? तब रंगीन फ्लैग्स लगा दिए जाते हैं। फिर प्रश्न आ जाता है, कभी लॉन्ग स्टॉप स्थान पर कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई थी? तो गाइड फिल्म जो है वहीदा रहमान जी की जो पिक्चर है गाइड, उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखिका के अनुसार पूरे देश की आत्मा कैसी है? तो लेखिका के अनुसार पूरे देश की आत्मा एक जैसी है। सभी की आत्मा कैसी है? एक जैसी है, कहीं ना कहीं कुछ एक जैसा है। नेक्स्ट, लेखिका के अनुसार रास्ते किस तरह घुमावदार होने लगे थे? लेखिका के अनुसार रास्ते जो थे जलेबी की तरह घूमने लगे थे, यानी बिल्कुल पहाड़ों में जो बिल्कुल रोड्स होती हैं ना, चारों तरफ रोड्स होती हैं, यानी कि वो एक जलेबी की शेप में दिखाई देने लग जाती हैं, वैसा ही लेखिका को दिखाई देने लग गया था। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं साना साना हाथ जोड़ी पाठ जो है आपका चैप्टर जो है उसके लिए। अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस और तैयार करवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा चैप्टर का नेम, तो मैं फिर आपके लिए वो नोट्स तैयार करके आपको वीडियो पब्लिश करूँगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी क्लासेस हैं उन जो भी जिस क्लास में भी आप पढ़ते हो, साथ ही मुझे ये भी बता देना कि आप कौन सी क्लास में हो, ताकि मुझे आसानी रहे कि मुझे पता रहे कि कौन सी क्लास का वीडियो मुझे अपलोड करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या पढ़ना चाहते हैं। तो एक इंटरेक्शन बना